हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 सर्वनाम। सबसे पहले हम सर्वनाम की 6 भेद में से जो उसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके विषय में पढ़ते हैं। अदिति ने सुनीता से कहा, मैं खेलने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? सुनीता ने हाँ कहा। तब अदिति ने कहा, मेघा को भी लेकर चलेंगे, क्योंकि उसने कहा था कि उसे भी खेलना है। यहाँ पर हमने देखा कि बातचीत अदिति और सुनीता के बीच हुई और उन दोनों ने मेघा के बारे में बात की। इन तीनों व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया गया है वे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं, तुम, उसने। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कह सकते हैं कि जिसमें बात कहने वाला अर्थात वक्ता, बात कहने वाला अर्थात वक्ता, जैसे कि मैं, सुनने वाला अर्थात सभी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी, तथा किसी अन्य व्यक्ति। जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन उनके लिए हम जो सर्वनाम प्रयुक्त करते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें वक्ता, श्रोता और तीसरा जिसके बारे में बातचीत की जा रही है उनका प्रयोग करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वक्ता, श्रोता और जिसके विषय में बातचीत की जा रही है उसके विषय में कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त जो हम सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात कहने वाले अर्थात वक्ता, सुनने वाले अर्थात श्रोता, किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में वो दोनों बातचीत कर रहे हैं के लिए प्रयुक्त जो सर्वनाम शब्द हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 3 भेद, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता अर्थात बोलने वाला, कहने वाला। उत्तम पुरुषवाचक, वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम स्वयं अपने लिए मैं, मेरा, मुझे एक वचन में यूज करते हैं, हम, हमारा, हमें बहुवचन में यूज करते हैं। तो ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। जैसे कि हम अपने लिए यूज करते हैं मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। सेकंड है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता श्रोता के लिए अर्थात बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तेरा, तुझे, हम सामने वाले के लिए यही सब शब्दों का यूज करते हैं। तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको। तो ये सभी शब्द क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि वक्ता सामने वाले श्रोता के लिए यूज करता है। कुछ यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें बताई गई हैं कि सामान्य व्यवहार में तुम लोग का हम प्रयोग करते हैं, जिसे ठीक भी माना जाता है। तू का प्रयोग या तो हम आत्मीयता दर्शाने के लिए करते हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम तू का प्रयोग कर रहे हैं, तो तू का प्रयोग आत्मीयता अर्थात अपनापन दिखाने के लिए या फिर किसी का निरादर करने के लिए होता है। निरादर मतलब जिसका हम अपमान करते हैं। उच्च पद, अधिक आयु, बेहतर आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति के द्वारा, जो लोग उच्च पद पर होते हैं, अधिक आयु के होते हैं, अच्छी आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, वे लोग निम्न पद वाले, कम आयु वाले और निम्न आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए तू का प्रयोग करते हैं। आपका प्रयोग आदर के लिए होता है औपचारिक संबंधों में, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए, अपरिचित व्यक्ति से बात करते समय भी हम आपका प्रयोग करते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त होने पर इसके साथ लोक शब्द हम जोड़ देते हैं, जैसे कि आप लोग। थर्ड है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए,
वक्ता या श्रोता, वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दो फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में शुरू में पढ़ा कि अदिति और सुनीता आपस में बातें कर रही हैं और वो किसी थर्ड पर्सन जैसे कि मेघा के बारे में बात कर रही थी, तो वो क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं वह, वे और यह या ये। या तो हम यूज करेंगे वह या वे, या करेंगे हम यह और ये। ये क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। कभी कभी क्या होता है, जो थर्ड पर्सन है अगर वो हमारे सामने उपस्थित होता है, कभी कभी समीपस्थ व्यक्ति के लिए ये के स्थान पर हम आपका प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्री कृष्ण कुमार, आप हमारे समाज के विद्वान और सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर जो वक्ता है बोलने वाला और जो श्रोता है सुनने वाला, उनके बीच में कोई अतिथि आया है तो वो उनके सामने उपस्थित है। तो कभी कभी क्या होता है, जो आपके सामने जो व्यक्ति उपस्थित है उसके लिए आप वह, वे, यह, ये शब्द यूज न करके आप शब्द भी यूज कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम में, सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें कि वक्ता अपने द्वारा अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है। उत्तम पुरुषवाचक में तो होता है कि वक्ता जो होता है, बोलने वाला जो होता है, वह अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा। और मध्यम पुरुषवाचक में जो वक्ता होता है वह श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे कि तू, तेरा, तुझे, तुम्हारा, तुम्हें आदि। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वक्ता होता है और श्रोता उसके अतिरिक्त ये किसी तीसरे प्राणी के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोहन और राम आपस में बातें कर रहे हैं, तभी वहां से पास में कोई व्यक्ति जा रहा है तो बोलेंगे कि वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी थर्ड पर्सन के लिए यूज किया वह या वे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता होता है, मध्यम पुरुषवाचक में श्रोता के लिए होता है और अन्य पुरुषवाचक में किसी थर्ड पर्सन के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो होते हैं। विशेष चीज है, यदि एक ही वाक्य में कोई सेंटेंस है, एक ही वाक्य में उत्तम पुरुष भी आ रहा है, मध्यम पुरुष भी आ रहा है, अन्य पुरुष भी आ रहा है, अगर तीनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो सबसे पहले हम मध्यम पुरुष का यूज करेंगे, फिर अन्य पुरुष वाले सर्वनाम का और अंत में हम उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। सही वाक्य वही होता है जब पुरुष, जब हम सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस के अंदर अगर उत्तम, मध्यम और अन्य तीनों पुरुषों के सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है तो उसके लिए सबसे पहले मध्यम का यूज होगा, फिर अन्य का होगा और फिर उत्तम का होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि तुम, तुम कौन है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो तुम वह, वह है अन्य पुरुषवाचक और मैं, तुम वह और मैं मिलकर एक साथ पढ़ेंगे, तुम वह और मैं मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक नहीं आया, जबकि सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आया मध्यम पुरुषवाचक, फिर अन्य पुरुषवाचक और देन लास्ट में उत्तम पुरुषवाचक। यह भी जानिए कि कभी कभी हम, तुम, वे तथा ये का प्रयोग एक वचन में भी किया जाता है। कभी कभी हम, तुम, वे तथा ये, इनका प्रयोग हम एक वचन में भी करते हैं, अतः सरलता के लिए बहुवचन के रूप में सब या लोग लगाया जाता है। सामान्यतः लोग का प्रयोग हम दो, तीन या कुछ अधिक व्यक्तियों के लिए, ये सब का प्रयोग काफी अधिक के लिए करते हैं। वे लोग, वे सब, ये सब की तुलना में आदर का भाव अधिक होता है। अगर हम सर्वनाम शब्द यूज कर रहे हैं, वे लोग, वे सब, ये सब, तो इनमें क्या होता है, इन सब में आदर का भाव अधिक होता है। थैंक यू।